हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के घटना चक्र ई दृष्टि करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर हम ई दृष्टि घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर आपका पूरे एक साल का करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आप इस मैगजीन को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, यहां पर आपका 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2023 तक का पूरा करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा। आज की क्लास में हम खेल से संबंधित करंट अफेयर कवर करेंगे। खेल से संबंधित करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको आज की क्लास को अच्छे से करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस मैगजीन की 5-6 क्लासेस आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं, जहां पर हमने नेशनल करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंटरनेशनल करंट अफेयर काफ़ी कुछ अच्छे से डिस्कस किया है, तो आपको उन क्लासेस को भी इसी चैनल पर जाकर देख लेना है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका खेल से संबंधित करंट अफेयर है और सबसे पहले क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो भी एक साल में आपका न्यूज़ में रहा है। सबसे पहले है आपके सामने दिलीप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन आपको याद रखना है कर्नाटक बंगलुरु में किया गया था 28 जून से 16 जुलाई 2023 के बीच। तो दिलीप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कर्नाटक में किया गया था। नेक्स्ट है, इस आयोजन में कौन सी टीम विजेता बनी है। तो यह थी आपकी दक्षिण क्षेत्र की टीम आपकी विजेता बनी है। नेक्स्ट है, आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आपके शाहरुख खान। आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, जून 2023 में संपन्न आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है, तीनों प्रारूपों में सभी प्रमुख आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है। तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया बनी है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई द्वारा प्रशासित 16वें आईपीएल 2023 का आयोजन कहां संपन्न हुआ है। तो दोस्तों, ये आयोजन भारत में हुआ था 31 मार्च से 29 मई 2023 के बीच में। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2023 के फाइनल मैच का विजेता कौन बना है। तो ये हैं आपके चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने 5वां खिताब जीता है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2023 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बना है। तो ये हैं आपके शुभमन गिल, जो कि गुजरात टाइटन्स से हैं। नेक्स्ट है, ऑरेंज कैप टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किसने लगाए हैं। तो ये भी शुभमन गिल के द्वारा लगाए गए हैं। नेक्स्ट है, पर्पल कैप टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं। तो ये मोहम्मद शमी के द्वारा लिए गए हैं, जिन्होंने 28 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है, विजडन द्वारा वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की घोषणा किस पुस्तक में की गई है। तो यह है आपकी विजडन क्रिकेटर्स अल्म नैक 2023। विजडन द्वारा घोषित वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन हैं। तो ये हैं आपके टॉम ब्लेंडेल एवं डेरिल मिशेल, दोनों न्यूजीलैंड से हैं। बेन फोकस एवं मैथ्यू पॉट्स, ये दोनों इंग्लैंड से हैं। हरमनप्रीत कौर, ये भारत से हैं। तो ये 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं जिनको विजडन द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है, दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का शुभंकर क्या रहा है। तो यह है शक्ति एक शेरनी। नेक्स्ट है, इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो ये है मेग लैनिंग दिल्ली कैपिटल्स। तो इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप से मेग लैनिंग को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये हैं आपके हैली मैथ्यूज़ को सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, ईरानी कप का संबंध प्रथम श्रेणी क्रिकेट भारत से है। ईरानी कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है।
तो ये शेष भारत ने जीता है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो यह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो 2024 में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है आपका रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है, तो यह सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं, तो यह आपके रोहित शर्मा बने हैं, इन्हें आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर को डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट गेम है आपका टेनिस, तो टेनिस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने विंबलडन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको याद रखना है विंबलडन 2023 का आयोजन 3 से 16 जुलाई 2023 को लंदन यूके में किया गया। नेक्स्ट है, पुरुष एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है, तो यह स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज के द्वारा यह खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है, महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का पहला विंबलडन खिताब जीता है, तो यह चेक गणराज्य के हैं मार्केटा वोद्रा उसोवा, इन्होंने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो यह सर्बिया से हैं नोवाक जोकोविच, इनके द्वारा यह खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है आपका, जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो यह है इगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड से है, इनके द्वारा जीता गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि टेनिस से संबंधित ये विंबलडन और आपका फ्रेंच ओपन, ये करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, बार बार इसको पढ़ना है, देखना है। नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन से रिलेटेड करंट अफेयर, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले है आपके सामने सुधीर मन कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध बैडमिंटन मिश्रित टीम टूर्नामेंट से है। नेक्स्ट है आपका, सुधीर मन कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन चीन के सुझाऊ में किया गया। किस टीम ने वर्ष 2023 का खिताब अपने नाम किया है, तो यह चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह है यूके के बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है, तो यह है ली सिफिंग, चीन के द्वारा खिताब जीता गया है। महिला एकल स्पर्धा की विजेता कौन बनी है, तो यह है आपकी दक्षिण कोरिया की हैं ओन से यंग, इनके द्वारा महिला एकल स्पर्धा की खिताब जीता गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका फुटबॉल से संबंधित करंट अफेयर, अभी हम इसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है 14वीं सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया, तो यह बंगलुरु के कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। कौन सी टीम चैंपियन बनी है, तो यह है भारत चैंपियन बना है, नोवा खिताब भारत ने जीता है। कौन सी टीम उप विजेता बनी है, तो यह थी आपकी कुवैत की टीम। नेक्स्ट है, किस देश ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता है, तो यह था उरुग्वे के द्वारा यह खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है, फुटबॉल का इंटर कॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है, तो यह भारत ने जीता है दूसरी बार। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, तो यह है मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं शतरंज से रिलेटेड करंट अफेयर। देखिए, सबसे पहले है, किसने 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, तो यह है डिंग लिरेन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन पुरुष बने हैं, तो यह है चीन के बने हैं।
नेक्स्ट है आपका चर्चित खेल व्यक्ति। देखिए अभी तक हमने खेल से रिलेटेड करंट अफेयर कवर किया है, जो भी खेल से रिलेटेड था। अभी हम खेल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति है और वो न्यूज़ में रहा है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए लगातार 2 अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये हैं आपकी अंतिम पंघल, जिन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में, तो आपको इनका नाम याद रखना है, ये अंतिम पंघल हैं जो लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान बनी हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये हैं आपके ललियान ज्वाला छांगते। नेक्स्ट है AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? तो ये हैं आपकी मनीषा कल्याण को नामित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किसे सीनियर पुरुष चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके अजीत अगरकर। नेक्स्ट है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो ये हैं आपकी भवानी देवी। नेक्स्ट है भवानी देवी ने इस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं आपके बेन स्टॉक्स, जो कि इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट है शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये हैं आपके सचिन तेंदुलकर के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है आपका मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया है? तो ये 5 भारतीयों को सम्मानित किया गया है, और इन क्रिकेटरों के नाम क्या हैं? तो इनके नाम हैं महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट है आपका ICC पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये हैं आपकी किम कॉटन, जो कि न्यूजीलैंड की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ये हैं आपकी जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है आपका पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं आपके रमेश सेलार। नेक्स्ट है एशियाई शतरंज महासंघ ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये हैं आपके डी गुकेश, जो कि भारत से हैं। इन्होंने किस वर्ग में यह उपलब्धि प्राप्त की है? तो अंडर-21 में इनके द्वारा यह उपलब्धि प्राप्त की गई है। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये हैं आपकी पीटी उषा को पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की चुना गया है, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका खेल से संबंधित करंट अफेयर था, हमने अलग अलग खेलों से संबंधित करंट अफेयर डिस्कस किया है। देखिए नेक्स्ट है आपका विविध, यानी कि जो मिसलिनियस करंट अफेयर होता है वो आपका यहाँ पर दिया गया है, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जॉर्डन अम्मान में किया गया था। नेक्स्ट है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 पुरुष हॉकी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भारत में चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट है इस प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा है? तो भारत रहा है। नेक्स्ट है आपका एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया है। इस चैंपियनशिप का शुभंकर कौन है? तो इस चैंपियनशिप का शुभंकर हनुमान है। नेक्स्ट है भारतीय दल कितने पदक जीतने में सफल हुआ है? तो भारतीय दल के द्वारा 27 पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट है मई जून 2023 के मध्य संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है 4थी बार। नेक्स्ट है भारत ने किसको पराजित कर यह खिताब जीता है? तो दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर यह खिताब जीता है। किस राज्य की मेजबानी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन हुआ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की मेजबानी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है
KIUG 2022 का आयोजन कब हुआ है? इसका मतलब है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इसका आयोजन कब हुआ था? 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में हुआ है? आपको याद रखना है टोटल 4 शहरों में हुआ था। कौन कौन से शहर हैं? वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, इन चारों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का यह कौन सा संस्करण था? तो यह तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? तो यह जीतू बारा सिंघा था। किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में 26 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। नेक्स्ट है पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया गया है? तो यह है ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल 2023 कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया गया है। नेक्स्ट है आपका 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो इसका था शुभंकर मोगा जंगली भैंसा। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया है। नेक्स्ट है 23वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को चुना गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह है जमैका की सैली एन फ्रेजर प्राइज हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका खेल से संबंधित करंट अफेयर कवर हो जाता है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका, यहाँ पर हम जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी इसमें हम डिटेल में करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और इसमें सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर राष्ट्रीय परिदृश्य को डिस्कस किया जाएगा और यहाँ पर जो हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे वो डिटेल में होगा, ठीक है। अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला न्यूज़ है आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये काफ़ी आजकल चर्चा में है और यहाँ से आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है इसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर हम आपको अपडेट करते रहते हैं जो भी आसपास चलता रहता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।